तो यहाँ पे हम वॉइस मेकअप करेंगे आगे किस तरह से मेकअप होता है। ये क्रैलोन का डर्मा बेस प्लेट है और हम नेचुरल मेकअप करेंगे। D5 जो मैंने ये डर्मा का लिया है, चेक करते हैं, मुझे लगता है कि ये ब्राइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका जो अंडरटोन है वो रेडिश है और जो मेरे पास बेस है वो D5 वो येलो टोन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडिश टोन को मेंटेन करने के लिए मैंने क्रैलोन का येली शेड लिया है। येली शेड यानी कि एक बेस नंबर है क्रैलोन का, तो मैं वो और D5 को हल्का मिक्सिंग लेके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रेडिश मेकअप नहीं करना है, तो हल्का सा D5 भी अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डर्मा का D31 है जो कि चिक शेड है। इनका अंडर आइज जो था वो डार्क है, तो उसके लिए जो कंसीलर होता है वो क्या होता है, रेडिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे D31 नंबर जो कि डर्मा का है बेस वो यूज़ कर रहा हूँ। D5 इनका जो येलो टोन है, जो ब्राइट टोन है, ओके। और सेकंड जो मेरे हाथ में है वो एक क्रैलोन का येली है। दोनों को मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, सेम ब्रांड है, बस बेस में थिक और थिन का फर्क होता है। और यहाँ पे जो मैं बेस कर रहा हूँ वो डैब डैब करके ही कर रहा हूँ, ना कि उसे इतना ब्लेंड करना है, ठीक है। आंखों जहाँ पे आप कंसील करते हो वहाँ तो आपको 100% डैब करना है, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि अगर वॉइस मेकअप का हमें एज अ शूटिंग में करनी होती तो यहाँ पे और कम या और लाइट हम बेस यूज़ करते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम इसे फुल कवरेज करके कर रहे हैं, प्लस हमारे कैमरे में ये कुछ ज़्यादा ही कैचअप है, ठीक है। बट ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि इसी तरह से ये बॉयज़ मेकअप या जेंट्स मेकअप जो आप कहते हैं वो होता है। और इनके मेकअप में जो सामान लगता है वो सिर्फ बेस है, पाउडर है, और कंटूरिंग के लिए आप पाउडर कंटूरिंग यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छा है। कंटूरिंग बेस्ट चीज़ है, कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है और उसे अब यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने DG4 नंबर शेड किया जो कि डार्क शेड है और ये भी डर्मा का ही है, तो मैं यहाँ पे कंटूरिंग जो बोल रहा था मैं वो कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर नोज़ कटिंग कर लूँगा, थोड़ा सा फेस कटिंग होता है वो करना चाहिए वो करूँगा। आप अगर मेकअप कर रहे हैं तो कंटूरिंग को कभी स्किप ना कीजिएगा और हल्का सा शेडिंग के लिए आप ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कंटूर होता है वो लाइटली, बहुत समथिंग बहुत लाइट यूज़ करना है आपको कि एक शेप आ जाए बट बहुत ज़्यादा दिखना नहीं है, और जो इनका स्किन टोन थोड़ा सा ब्राइटिश है लग रहा था या फिर हल्का सा कुछ, तो उसको मैनेज ये स्किन टोन सॉरी ये बेस कर लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब रिज़ल्ट आपके सामने ही है किस तरह से वो कंटूर मैनेज कर रहा है। आपको डिफरेंस लगा होगा फ्लैट जो हम फर्स्ट बेस करते हैं, सेकंड जब हम कंटूर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन जो पाउडर होता है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो हो आप यूज़ कर सकते हैं, हम उसे सेट कर लेंगे। आप चाहो तो पाउडर पैड की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया। हमारा ये मेकओवर कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बेस ज़्यादा है, और ऑलमोस्टली कि जब हम बेस या पाउडर करते हैं तो उनके आईब्रोज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बेस थोड़ा बहुत लगा होता है, वो थोड़ा परफेक्ट लुक के लिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, तो आप इसे ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट स्टेप आता है लिप बाम। आप लिप बाम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी सीरियल्स में मैं ये लिप बाम ज़्यादातर रखता हूँ क्योंकि है, ठीक है, इजी है, फटाफट काफ़ी लोगों को यूज़ करना होता है, तो हमने एक लिप बाम लगा लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लग रहा है या मेकअप अच्छा लगा, कुछ समझने और सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किस टाइप का मेकअप पसंद है, तो मैं उस पर ज़रूर एक मेकअप वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू गाइज़।
और हाँ, अगर आप कोई फंक्शन कुछ अटेंड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लाइट वेट मेकअप कर सकते हैं।